मारीना संदेश लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं फात काजमी मारीना संदेश लाइव से। आज 19 तारीख हो चुकी है, रात के 1:50 हो गए हैं, सुबह मतदान का समय है और हमारे बीच के जुझारू नेता अतुल कुमार अंजान अभी मेहनत कर रहे हैं। देखा जा सकता है इनकी मेहनत को। इस समय ये मौजूद हैं मौलवी इकबाल अहमद साहब कासिमपुरा के यहाँ और आज हम इनसे देख रहे हैं कि इनके साथ जो कि काफ़ी बड़ा मजमा नौजवानों का लगा हुआ है। अभी तक हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन नज़र आते थे, लेकिन आज आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा मजमा अतुल कुमार अंजान जी के साथ लगा हुआ है। इससे इनकी उपलब्धि का पता चलता है कि वास्तव में लोग गठबंधन से या किसी दूसरी पार्टी से या प्रत्याशी से संतुष्ट ना होके अतुल कुमार अंजान जी के साथ रात के 1:50 पर भी मौजूद हैं। अब इसी श्रेणी में अतुल कुमार अंजान जी से हम जानना चाहते हैं कि अंतिम समय चल रहा है और सभी प्रत्याशियों का कुछ ना कुछ बयान आ रहा है, जनता से अपील हो रही है, आप क्या अपील करना चाहते हैं, आप बताएं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव किसी नाली खड़ंजे पड़ंजे का चुनाव नहीं है। देश की संसद के सामने जो चुनौतियाँ पेश हैं और देश के संविधान के सामने जो चुनौतियाँ पेश हैं, उनका निपटारा कैसे किया जाए। हमारे देश के अंदर वो ताकतें बड़ी मजबूती से सर उठा रही हैं और तमाम कमियों के चलते वो पावर में आ गई 2014 में, उनके हौसले बुलंद हो गए, लेकिन इन 5 सालों में वह लोटे की तरह समाज में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और ज़मीन पर वो चक्कर काट रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए जो भारतीय संसदीय जीवन के इतिहास में एक नए प्रकार का इतिहास है। शायद चुनावी दौर में इतनी ज़्यादा झूठ बातें किसी प्रधानमंत्री ने दुनिया में नहीं की होगी जितने हमारे प्रधानमंत्री ने किए। चलिए, लगता है झूठ बोलना में उन्होंने महारत ही नहीं हासिल की है, आने वाले दिनों में झूठ बोलने की बुनियाद पर शायद वो मांग कर सकते हैं कि उन्हें नोबल प्राइज मिले। ये चुनाव भारत की उन शक्तियों के बीच में चुनाव है जो इस देश के संविधान और उसकी बालादस्ती और उसकी संपूर्णता और उसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का हमला नहीं होने देना चाहती, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान दौर में भारत को एक धर्म आधारित राज्य बनाने या भारत के दूसरे तमाम धर्मों और मतावलंबियों के जो विचार हैं उनको कुचलने की कोशिश में सरकारी तंत्र को प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इस चुनाव को संविधान की हिफाजत, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की वकालत, इस देश की बहुलवादी परंपरा का निर्वाह, और जब मैं बहुलवादी परंपरा का निर्वाह कहता हूँ तो मैं आपके मरीना संदेश के तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ये देश किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना ही सिखों और ईसाइयों का है, बौद्धों का है, जैनियों का है, पारसियों का है, हर एक का अधिकार है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है। इसलिए आज जो ताकतें, जो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ, जो रजत पसंद ताकतें हैं, जो फिरकावारियत की ताकतें हैं, जो तंग नज़री की ताकतें हैं, जो इस विशाल बड़े देश में बड़ा छोटा दिल लेकर के चल रहे हैं, उनसे इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई यह चुनाव है। और मैं इसी बुनियाद पर नौजवानों को संगठित कर रहा हूँ कि आइए संविधान बचाया जाए। और इसलिए आपने जो कहा कि नौजवान देखे जा रहे हैं, सीनियर सिटीज़न राह दिखाते हैं, नौजवान उस राह पर चल करके मंजिल मकसूद तक पहुँच करके नए भारत का निर्माण। अभी देखिए, जैसा कि यहाँ के दूसरी सियासी पार्टियाँ लोगों को, जनता तक मैसेज पहुँचाती हैं कि किसी ऐसे प्रत्याशी को जो भाजपा से लड़ रहा हो उसको वोट करो,
लगातार इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है, आ रहा है। अभी भी एक आध दो घंटा पहले मऊ के एक नेता ने इस तरह का वीडियो वायरल किया है कि जो पार्टी भाजपा से लड़के भाजपा को हरा सकती है उसे वोट करो। और क्या वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी लड़ाई में है और बीजेपी के नाम पर यहाँ के मुसलमानों का वोट बांटा जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये खेल बहुत लंबे अरसे तक हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जो राजनीति को संकीर्णताओं के दौर से ले जाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो खेलते रहे। और मैं से दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि निहित स्वार्थ, संकीर्ण राजनीति, पूंजी के दलाल नेता चाणक्य बन बैठते हैं और चाणक्य बनकर अपने अपने चंद्रगुप्त का कटआउट लेकर के जनता में घूमते हैं कि मेरा चंद्रगुप्त विजयी हो। और ये हर चुनाव में अलग अलग किस्म के मदारी की ड्रेस में आते हैं। अरे भाई, आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि चढ़ गुंडन की छाती पर, तो समझ में आ रही है बात। लेकिन ये क्या हो गया कि मतदाताओं के ही छाती पर आपने गुंडे चढ़ा दिए? आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि लोगों के अधिकार दिलाने के लिए क्या दौलत की ज़रूरत है। और एक बात आपको कहूँ कि नीतिगत स्वार्थों के संबंध में इलाकाई और सूबाई सोच लेकर आप चलेंगे तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय सोच है उसे कुचलोगे, तो उस कुचलने की प्रक्रिया में भारत के अत्यंत अल्पसंख्यक लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, हाशिए पर पड़े हुए लोग, पसमांदा तबके के लोग और भारत के दस्तकार जो रोज़ ठोंक पीट कर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उनको तबाही के रास्ते पर ले जाने की तैयारी करोगे। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूँकि एक काफ़ी बड़ा मुस्लिम तबका आपके साथ लगा हुआ, बाहरी भगाओ मऊ अभियान जो चल रहा था, बाहरी भगाओ मऊ बचाओ, इसमें मुस्लिम तबका ज़्यादा था, थे तो सभी कम्युनिटी के लोग लेकिन मुस्लिम ज़्यादा थे, तो मुस्लिम वोट भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा है। और कल रमज़ान का दिन है, धूप भी बड़ी सख्त है, मौसम भी काफ़ी गर्म रहता है, इसके लिए आप मुसलमानों को कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो दें। देखिए, बाहरी भगाओ मुहिम किसी एक राजनीतिक सोच की मुहिम नहीं थी, बल्कि ये मुहिम थी पूरे मऊ ज़िले के संपूर्ण विकास की। 20 साल का जो कूड़ा करकट यहाँ से किन्हीं राजनीतिक सामाजिक कारणों से संसद में चुनकर भेजा गया, 20 साल, 4 MP और 1 MP को 5 करोड़ रुपया सालाना खर्च करने के लिए मिलता है विकास के लिए, तो आप गौर कीजिए, 20 साल, 4 MP, 100 करोड़ रुपए, उसका कहीं हिसाब ही नहीं मिला, न रुपए का हिसाब मिला, न सांसद का हिसाब मिला, और 20 साल ऐसे ही गुजर गए। इससे लोग परेशान थे और जो लोग बाशऊर लोग थे, यहाँ के सोशल सोसाइटी के क्रीम लोग थे, कुछ उसमें फिसलन भरे हुए तत्व भी थे, उन लोगों ने बाहरी भगाओ मुहिम इसलिए चलाई थी कि वो अपनी ही पार्टी में इस मुहिम को चलाकर टिकट लेना चाहते थे। वो बेचारे औंधे मुंह गिर गए और अब वो उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जिनका वो विरोध करते थे। बड़े भारी बंधन की बात कही जा रही, गठबंधन की बात कही जा रही, मेरा ये मानना है कि ये गठबंधन नहीं है, ये बंधन है, ये फिसलन भरा बंधन है और ये बंधन अगले 4 महीने में टूट जाएगा। और देखिए, इस बंधन की जो नेता एक बनी है जिनका नाम है सुश्री मायावती, वो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं जीवन में कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। सदैव वो बीजेपी के साथ गई हैं, 4 बार में से 3 बार मुख्यमंत्री वो बीजेपी के सहयोग से बनी है। उत्तर प्रदेश में पारापारी की सरकार भी उन्होंने ही बनवाई, 6 महीने वो खुद मुख्यमंत्री बनी और 6 महीने कल्याण सिंह के लिए रास्ता खोला। लिहाजा आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती, वो RSS के खिलाफ नहीं बोलती, वो रास्ता खोले रखना चाहती है, क्योंकि पिछली लोकसभा में उनको मात्र 0 वोट मिले थे, 0 सीट मिली थी। और अब तो मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के जो फॉलोवर हैं
कि जरा गौर करिए, ये पार्टी है क्या? ये पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बेहतर नेता सप्लाई करने की एक पार्टी हो गई है। आप देखिए, एक नसीमुद्दीन साहब को छोड़ करके बाकी तो सब इसके नेता चले गए बीजेपी में। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर और किसका किसका नाम गिनाए हैं। और अब ये तय कर लिया है लोगों ने कि इस तरह की ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। और ये बंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, वरना मायावती जी एक बात का ऐलान क्यों नहीं कह देती? और समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि समझिए राजनीति को। मायावती जी 2022 के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, बना के ऐलान कर दे हर आदमी मिशन 2022 उत्तर प्रदेश में लेके चल रहा है। मिशन का सर्वे सर्वा कौन होगा ये कोई नहीं बता रहा है। मायावती जी आप बोलिए ना कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्यों आप नहीं बोल रही हैं? इसलिए कि बंधन में कहीं बड़ी भारी फिसलन है और ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बंधन बड़ा अजीब सा है और इसलिए भारत के संविधान में जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और इसे धर्म आधारित बहुसंख्यक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी इस सोच के संबंध में देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। और भारत के अल्पसंख्यकों को दोहरी नागरिकता दी जाए या दो नंबर का शहरी बनाया जाए, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। और इसी के खिलाफ संसद में दलीलों के साथ कोई भी सरकार होगी उसे मटिया मेट करने की तैयारी करें, क्योंकि इस तरह की बात सोचना भारत के संविधान की आत्मा को कमजोर करना है। और जो लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करके इसे धर्म जाति मसलक की बुनियाद पर बांट करके इस देश के बड़े सरमाएदारों के हिस्से में देश की दौलत डालना चाहते हैं। एक मैसेज छूट गया कि आप मुसलमानों को इस तपती गर्मी में वोट का परसेंटेज कम ना हो जाए, उसके लिए आप अगर कुछ मुसलमानों से खास करके कहना चाहते हैं जो रोज़ा रह के वोट देने जाएंगे, घर से निकलना जिनका मुश्किल रहता है, वो घंटों लाइन में खड़े रह के वोट देंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देश के 70 सालों के लोकतांत्रिक चुनाव में भारत के मुस्लिम लोग काफ़ी कुछ समझ गए हैं और 5 साल के मोदी सरकार के राज में और हर तरह के कमीनेपन की गतिविधियों ने उन्हें काफ़ी जागरूक कर दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है वो रमज़ान के महीने में मतदान करने जा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि इस बार के मतदान के समय पर्यावरण एक चुनौती बन गया है। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, लू है, लेकिन भारत के मुस्लिम लोग और ख़ास तौर से हमारे मऊ घोसी संसदीय क्षेत्र के मुस्लिम, जिनकी एक बड़ी भूमिका है भारत के दस्तकारी के इतिहास को आगे बढ़ाने में, पालूम सेक्टर को मजबूत करने में, और अब तो वह विदेशों में भी अपने सामान को बेचकर देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, तो जब ये सब कर सकते हैं तो इस राजनीति को नहीं समझते। वो सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, हमारी माँ बहनें तैयार होंगी और अपने जनतांत्रिक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगी और वोट डालेंगी, क्योंकि वह हर उस साजिश को नाकामयाब करेंगे जो उन्हें दो नंबर का शहरी बनाने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौजूद थे हमारे संदेश लाइव, कैमरामैन मोहम्मद कमाल के साथ।